हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वासाने। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक मेथड है। तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और क्यों ज़रूरत है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी को जानना, जनरेट करना, इससे टेस्टिंग का क्या संबंध है जानेंगे। तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए हमें जो चाहिए वो है सी एफ जी, यानी कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ, तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे क्यों? देखिए, सिंपल सी कुछ सिंबल मैं दिखा देता हूं। एक प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो हमें ड्रॉ करना है। एक प्रोग्राम दिया जाएगा अगर आपको, तो उससे आपको एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सीक्वेंस हुआ तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसको किसके लिए लिखेंगे? सीक्वेंस के लिए। अगर इफ एल्स कंडीशन हुआ तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? इफ एल्स। ठीक है, इफ ये हुआ तो ये होगा, अगर एल्स इसके लिए, और दोनों का कहीं ना कहीं तो आएगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स के लिए। ठीक है, अगर व्हाइल लूप होता है या फिर किसी तरह का लूप होता है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर ट्रू हुआ तो यहां पे आएगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, यहां पे आएगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू हुआ तो यहां पे आएगा, ऐसे घूमता रहेगा। यही कंडीशन यहां पे फॉल्स हुआ तो क्या होगा? लूप से बाहर। तो ये हो गया लूप। और लास्ट है तो स्विच स्टेटमेंट का। तो कैसे स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करेगा? इफ स्टेटमेंट में इफ एल्स था, यहां पे क्या होगा? मल्टीपल होगा, 1, 2, 3, 4, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हैंडराइटिंग के लिए सॉरी दोस्तों, स्विच केस के लिए। तो हमने ये सब देख लिया, अब हमें सीखना है कि किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम सीएफजी। अभी देखो, ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? सीएफजी सीख। ठीक है, तो पहले क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, आप निकाल लो। पहले मैं इधर पे नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, और एल्स लिखने के बाद अगर आप नीचे एंटर मार के इधर इस लाइन को लिखते हो तो उसको आप एक स्टेटमेंट ही मानोगे। ठीक है, और ये चार नंबर वाला लाइन, सॉरी पांच नंबर वाला लाइन। तो हो गया, अब आप इसका सीएफजी निकालो जैसा मैंने नोटेशन बताया था आपको। निकाल लिया, वीडियो को पॉज करके चलो मैं दिखाता हूँ। तो पहला ये जो व्हाइल का स्टेट है, व्हाइल निकलेगा, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इफ वाला, यानी कि दो नंबर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो समझ में आया। अब या तो इफ ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट, फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट, यानी कि दो नंबर वाले से हम दो लाइन लिखा लेंगे तो या तो तीन होगा या फिर चार होगा। तो तीन और चार हो जाने, जो भी होगा, तीन हुआ तो भी पांच नंबर वाले स्टेटमेंट पे आएगा, और चार एल्स हुआ तो भी पांच नंबर वाले स्टेटमेंट पे आएगा। ये हमारा क्या है, देखो ऊपर पे ये व्हाइल लूप है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्या है? व्हाइल लूप। तो ये ट्रू हुआ था, व्हाइल ये ट्रू हुआ था तभी हमने यहाँ पे आए थे। जिस टाइम पे ये लूप फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा? मान लो ये पहली बार पे ही फॉल्स हो गया तो क्या आएगा? सीधा इस लूप को, इसके अंदर को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। हो गया सिंपल सी बात। तो अभी हम निकालेंगे इसका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्या निकालेंगे? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। देखो आपको क्या करना है,
नंबर ऑफ एज माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस टू करना है और आपका निकल जाएगा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर ऑफ एज यहाँ पे क्या है, एज यानी कि ये वाला चीज, ये जो एरो जा रहा है, तो क्या है नंबर ऑफ एज, एक दो तीन चार पाँच छः, तो नंबर ऑफ एज इज सिक्स। नोड यानी कि ये वाला, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नोड है, प्लस टू, सिक्स माइनस फाइव वन, वन प्लस टू यानी कि थ्री। तो आपका साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड इज थ्री। अब आप बोलोगे भाई समझ तो लिया साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, सी एफ जी है, फ़ायदा बताओ टेस्टिंग में इसका फ़ायदा क्या। तो भाई साहब टेस्टिंग में इसका ये फ़ायदा है, आप सोचो आपने ये कोड लिखा, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर बनाने की, प्राइम नंबर का जो कोड होता है वो बहुत तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने एक कोड लिखा, आपके दोस्त ने एक कोड लिखा, आपके कोड का सी एफ जी निकला थ्री, आपके दोस्त का जो कोड लिखना लिखा आपने, आपके दोस्त ने उनका सी एफ जी लिखा आया वन, तो दोनों में से आपका थ्री आया आपके दोस्त का वन आया, तो दोनों में से सबसे बेहतर कोड किसका है बताए, आपके दोस्त का। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जितना कम आएगा कोड उतना अच्छा है। द टेक्निक इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स थ्रू ए प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम, आपका कोड, आपके कोड में साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जितना ज़्यादा होगा मतलब आपका कोड उतना खराब है, ठीक है। तो साइक्लोमेट्रिक कोड, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी को कम करना पड़ेगा आपके कोड में, ठीक है। तो इसीलिए हम टेस्टिंग में साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट फाइनल मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे म्यूटेशन टेस्टिंग, कमाल का है, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और वीडियो को कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।